हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आ लिटिल थिंग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन टिक्का, वो भी तंदूर में। अगर आपके पास तंदूर ना हो तो आप इसे अवन में भी बना सकते हैं। अगर अवन भी ना हो तो आप इसे ग्रिल पैन में बना सकते हैं। और आप इसे जरूर ट्राई करिए, बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो चिकन, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा नींबू, दो चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, एक चम्मच नमक, आधा बाउल धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम चिकन में एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, डेढ़ चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट या फिर आपके स्वाद अनुसार, आधा बाउल हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक और या फिर आपके स्वाद अनुसार। आधा नींबू, और हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 30 मिनट्स के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब 30 मिनट्स बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है और हमने यहाँ पे कोयला गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब हम ये सीख पे मैरिनेट किया हुआ चिकन लगाएंगे। अगर आपके पास तंदूर ना हो तो आप इसे अवन में भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ग्रिल पैन पे कर सकते हैं। तो ये हमने चिकन सीख पे लगा लिया है, अब हम इसे कोयले पे रख देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। हमें चिकन को सब तरफ से अच्छे से पका लेना है, इसलिए हमें इसे बीच बीच में घुमाते रहना है ताकि ये सारी तरफ से अच्छे से पक जाए। तो 20 मिनट बाद हमारे चिकन अच्छे से पक चुका है, हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये सीख काफ़ी गर्म होगा इसलिए हमें इसे चम्मच या फिर फोक की मदद से इसे ऐसे निकालना है। तंदूरी चिकन टिक्का रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारी रेसिपीज ट्राई करते रहिए।